हे गाइस, आई एम टोके एडिट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह की फोटो एडिटिंग जो कि काफी यूनिक एंड काफी अमेजिंग फोटो एडिटिंग है। सो गाइस, फोटो की तरह ये वीडियो भी काफी अमेजिंग होने जा रही है। वीडियो को स्किप मत करना एंड इस फोटो के अंदर जो भी मैं PNG बैकग्राउंड यूज करूंगा सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फुल HD में। तुम्हारा भाई सारे PNG अपलोड करता है एंड बैकग्राउंड अपलोड करता है, तो जाओ डाउनलोड करना मस्त तरीके से। एंड मैं अपना मॉडल का PNG भी देता हूँ हमेशा ताकि आप सब लोग डाउनलोड कर सको, ठीक है? एंड गाइस, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। काफी बड़े बड़े टिप्स एंड टेक्स एंड पोस्ट वगैरह डाल रहा हूँ एंड कभी कभार क्विन भी होता रहता है, तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना यार। काफी बड़े पिक्स भी डाल देता हूँ, फॉलो कर दो यार। तो चल चलते वीडियो तरफ। तो गाइस, हमें इस तरह की फोटो एडिटिंग के लिए हमें कुछ इस तरह के पोज में फोटो क्लिक करानी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ। आपको अपने मोबाइल को जैसे रखना है एंड आपको फिंगर्स को जैसे रखनी है, ठीक है? अब अपने हाथ मतलब आगे ऐसे रख के जैसे कि हम मोबाइल से हमारे कुछ निकल रहा हो, ठीक है? इस तरह की फोटो क्लिक करा लेना। इसका मैंने बैकग्राउंड इरेज कर दिया पहले से ही, ठीक है, ताकि आप सबका टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपली इरेज करने के बाद ड्रॉ टूल पर जाके अपनी फोटो को सेव कर लेना आप लोग। सेव करने के बाद गाइस, आपको करना है आपको वाला बैकग्राउंड लेना है। इस बैकग्राउंड के लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं यार। फुल HD बैकग्राउंड है, इसे थोड़ा मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड फोटो पर जाएंगे, जो हमने इरेज किया है उसको इसके ऊपर ऐड कर देंगे ऐसे। सो यार, नीचे का इतना मोटा कैसा लग रहा है ये, पता नहीं आगा क्यों लग रहा है, इसे इग्नोर करो। इसको मैं ऐसे यहाँ पर लगा दूंगा, अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे हम इस फोटो के ऊपर, देन हम सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। सो गाइस, हमें ऐड फोटो जाना है, हमें कुछ PNG ऐड करने हैं। मैं ये वाला PNG ऐड करूंगा। इन सब PNG के लिंक पे आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो आपको दो कार दिख रही होगी, एक रेड कलर की एंड एक ग्रीन कलर की, इन PNG को आपको अपने नीचे लगा देना है ऐसे, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? सो गाइस, इसको बड़ा करके मत लगाना नहीं तो दिखेगा नहीं। आपको ऐसे लगाना है जिससे कि जो नीचे लिखा है वो सब दिख जाए एंड हम सिंपली यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है गाइस? हम एक PNG लगाएंगे जिससे ऐसा लगे हमारे मोबाइल से कार है, हवा में उड़ रही है निकल के मोबाइल के अंदर से। ये वाला PNG जो आपको दिख रहा होगा, आपको ये अपने मोबाइल के ऊपर ऐसे लगा देना है। ऐसे हल्का सा बड़ा करके मैं नीचे कर दूंगा, अगर ज़्यादा करूँगा तो फेस पर आ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे इसको ऐसे, ठीक है? सो अब देखो ऐसा लग रहा है हमारे हाथों से गेम निकल के बकरे हैं। अब मैं क्या करूँगा, ऐड फोटो पर जाऊँगा, एक छोटा सा PNG हो रहा है, छोटा PNG नहीं, काफ़ी बड़ा PNG है ये वाला PNG मीटर्स का, ठीक है? इसको हमें ऐसे पूरी फोटो के ऊपर लगाना है। आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैं लगा के दिख रहा हूँ आपको, ये पूरा ऐसे सर्कल में आना चाहिए यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल में आना चाहिए। देन जो हमारे फेस के ऊपर आ रहा है इसको हम इरेज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इरेजर टूल पे जाएंगे, देन जो भी हमारे ऊपर आ रहा है इसको हम इरेज कर लेंगे ऐसे। सो गाइस, मैंने इरेज कर लिया। सो गाइस, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपने बस ये फेस के ऊपर से इरेज करना है, आपको यहाँ से इरेज नहीं करना, जो आपको ये दिख रहा होगा ये वाला इरेज नहीं करना। हम सिंपली हम यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है? तो हमारे सारे PNG लग चुके हैं, नहीं एक PNG रह गया, बताता हूँ कौन सा PNG। हमको एक PNG और लगाना है, ये वाइट का है। इस वाले PNG को हम इधर लगा देंगे कोने कोने में, साइड में, एक अच्छा लुक आएगा। प्ले स्टेशन का एंड स्पीड अनलिमिटेड लिखा है इसमें, मैंने यहाँ से डन कर देंगे। सो गाइस, हमारे जितने भी PNG सब कुछ लग गए, मतलब मैं भी लग गया, बैकग्राउंड भी लग गया, सब PNG भी लग गए। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, जो हमारे गूगल्स दिख रहा है इसमें कलर करूँगा क्योंकि अच्छा लुक आएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, हमें जाना है इधर ड्रो टूल पे। जाने के बाद हमें कलर सेलेक्ट करना है, जो हमारे बैकग्राउंड कलर है ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से डन कर देंगे। फिर इस ब्रश को मैं अपने जो अपने चश्मा दिख रहा है इसको गूगल्स के ऊपर पूरा मारूंगा ऐसे। ये मैंने दोनों गूगल से ब्रश मार लिए, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करना है, उसको हम 27 रखेंगे, 25 या 27 ऐसे, 27 रखते हैं, डन कर देंगे, ठीक है? हमारा सारा काम हो गया। अब जो हमें कलर ग्रेडिंग करनी है बिल्कुल रियलिस्टिक लुक बनाने के लिए, वो हम लाइट रूम में करेंगे। तो सबसे पहले इस फोटो को सेव कर लेते हैं HD में, ये हो गई हमारी फोटो। चलिए हम अपने लाइट रूम बाग को खोलते हैं, ये हमारे लाइट रूम खुल रहे हैं। अब हमें ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेना है जिससे कि हमारी फोटो सबसे ऊपर जाएगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। एंड इस फोटो को ऐड कर लूंगा मैं इसमें लाइट रूम में, ये हमारी फोटो ओपन हो गई है। अब सिंपली क्या करना है, आपको ये दिख रहा होगा सूरज का ये दिख रहा होगा, मतलब इधर जाना है, इसकी एक्सपोजर बढ़ानी है थोड़ी, देन
कॉन्ट्रास्ट को हल्का से इंक्रीज करना है, हाईलाइट को कम करना है गाइस, शैडो भी कम करनी है, वाइटनेस को हल्का से इंक्रीज, ब्लैक को कम। ये देख लीजिए गाइस मैंने जो जो सेटिंग करी आप देख सकते हो, ठीक है। अब नीचे वाले टूल पर जाएंगे हम, यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मिक्स पे जाना है, मिक्स पे जाने के बाद कोई अलग कलर सेलेक्ट करना है, देन ह्यू है जो उसकी हल्के से कम कर देने ऐसे, ठीक है। सिंपली हम यहाँ से डन कर देंगे। सो आप जो टेम्परेचर रखना है इस फोटो में वो ब्लू टोन में रखना है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लू है एंड हमारे गूगल से ब्लू, तो थोड़ा ब्लू टोन में रखना है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देंगे ऐसे, ज़्यादा कम हो गया तो टेम्परेचर को ऐसे कम कर देंगे, देन वाइब्रेंस को इंक्रीज करेंगे, सैचुरेशन को कम कर देंगे ऐसे, ठीक है। इस टिंट को हल्का सा कम कर देंगे, टिंट को हल्का सा ये 6 कर देंगे सिंपली, ठीक है। सो ये हमारी कलर ग्रेडिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, थोड़ी क्लियरिटी वगैरह इंक्रीज करनी है, क्लियरिटी को इंक्रीज करेंगे, देन विग्नेट है उसको ऐसे कम करना है, ज़्यादा कम मत कर देना, एंड डीएस को हल्का सा कम आगे बढ़ाना है, 15 रख देंगे, ठीक है। सो बस शार्पनेस को बढ़ाना है हमें, नीचे वाले टूल पर जाना है, शार्पनेस को हम कर देंगे 70, देन नॉइस रिड्यूसन को हम आगे कर देंगे, क्योंकि हमें नॉइस रिड्यूसन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इससे क्या होगा हमारी फोटो में स्मूथनेस आएगी। देखिए सो गाइस देखिए फोटो में काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फोटो पहले कैसी थी एंड अब कैसी है। ये देखिए गाइस पिक्सल आर्ट में कुछ इस तरीके की फोटो थी, लेकिन हमने लाइट रूम में मस्त ग्रेडिंग की, इसके बाद देखिए फोटो काफ़ी मस्त हो गई है, एंड फोटो की क्वालिटी भी बिल्कुल नहीं फटी। देखिए गाइस फुल HD में फोटो है बिल्कुल, देखिए कुछ भी नहीं फटा, ना कोई कार फटी, ना तो कोई PNG भी नहीं फटा, आपको दिख रहा होगा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, कोई PNG नहीं फटा, फुल HD में सेव कर देता हूँ फोटो को। अब हम क्या करेंगे, 3 डॉट पर जाएंगे, सिंपली इस फोटो को सेव कर देंगे, ठीक है। ये फोटो सेव हो गई है हमारी। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग एडिटिंग करो एंड मौज करो, बाय। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।